गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन यूनिट 5 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में आपके 5 टॉपिक्स हैं। इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ प्लानिंग, वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टूर्नामेंट्स इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, जिसमें से आपके पहले वीडियो में मैंने आपके दो टॉपिक कवर किए थे मीनिंग ऑफ प्लानिंग एंड वेरियस कमिटी। इसके बाद जो आपका इस चैप्टर का यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टूर्नामेंट्स। टूर्नामेंट्स मीन्स कंपटीशन। सबसे पहली चीज जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो टूर्नामेंट्स हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है नॉकआउट टूर्नामेंट्स, लीग टूर्नामेंट्स, चैलेंज टूर्नामेंट्स, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स। ये आप लोग स्पेशल याद रखिएगा क्योंकि एमसीक्यू में कई बार क्वेश्चन बनता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। तो टूर्नामेंट्स हैं 4 टाइप्स। 4 टाइप्स के टूर्नामेंट के आपके नेम नॉकआउट, लीग, चैलेंज एंड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। टूर्नामेंट्स टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट में फर्स्ट है आपका नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट्स में दो मेथड से पिक्चर बनाते हैं, डबल नॉकआउट एंड सीडिंग मेथड। और सेकंड आपका टाइप है लीग टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन और बर्गर सिस्टम, ये इसके अदर नेम है। हम केवल पहले टूर्नामेंट पे फोकस करेंगे जिसका नाम है नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट्स में सबसे पहली बात, जैसे मैंने अभी एक वर्ड बोला पिक्चर, पिक्चर क्या होता है? पिक्चर होता है मैचेस का स्ट्रक्चर, किस प्लेस पे कब और किस दिन किन दो टीमों के बीच में मैचेस होना है, कितनी टीमें टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ एक टूर्नामेंट होता है आईपीएल, तो जब भी आईपीएल टूर्नामेंट होता है तो आईपीएल टीम का पूरा एक स्ट्रक्चर, कब कुछ टीम्स के मैच स्टार्ट होंगे, कब क्वार्टर फाइनल होगा, कब सेमीफाइनल होगा, कब फाइनल होगा, पूरा पेपर में निकलता है, तो उस चीज को हम बोलते हैं फिक्चर। इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे फर्स्ट है नॉकआउट टूर्नामेंट्स। नॉकआउट टूर्नामेंट्स में क्या है, नॉकआउट जिस भी टूर्नामेंट में किसी भी टीम के बीच में मैचेस हो रहे होंगे, जो टीम जिस जगह से मैच को हार जाएगी फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, क्वार्टर फाइनल में, वो टीम वहीं से बाहर हो जाएगी, उसको कोई भी सेकेंड चांस नहीं मिलेगा। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या देखने को मिलता है कि हमारे पास जो मौका होता है वो हर एक मैच में हमको अपना 100% बेस्ट परफॉर्मेंस देनी होती है। नॉकआउट टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग हम देखें तो फ्यूचर, इसका जो फ्यूचर बनता है वो 2 टाइप से बनता है। और पहला टाइप है व्हेन द नंबर ऑफ टीम इज 2 पावर। अगर कोई टीमें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है और वो टूर्नामेंट हमारा नॉकआउट मेथड से हो रहा है, तो उसमें अगर जो नंबर ऑफ टीम है वो 2 की पावर में है, नॉट इवन नंबर, 2 की पावर 2, 4, 8, 16, 32, अगर इसमें 6 आएगा तो वो 2 की पावर में नहीं आएगा। अगर नंबर ऑफ टीम 2 की पावर में है तो हम लोग फ्यूचर कैसे बनाएंगे, ये हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ड्रा अ पिक्चर ऑफ ऑल टीम्स, तो नंबर ऑफ टीम्स और टोटल मैचेस, टोटल मैचेस या आपका एमसीक्यू को क्वेश्चन बनता है जिसमें दे सकता हूँ हाउ मेनी मैचेस विल बी हेल्ड बिटवीन 350 टीम, 200 टीम्स, 18 टीम्स एटसेट्रा। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है एन माइनस वन मीन्स नंबर ऑफ टीम माइनस वन, तो टोटल टीम्स हमारी 4 है। हम बोलते हैं कितनी भी टीमें अगर यहाँ पर होती है तो हम उससे माइनस वन करेंगे इस मेथड में, नॉकआउट मेथड में। तो 4 माइनस वन हमारे जो टोटल मैचेस होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। अपर हाफ लोअर हाफ में मीन्स क्या होता है कि जो 4 टीम्स है उसमें हम टीमों को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैंने बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, जो 4 है कम डिजिट का टूर्नामेंट है जिसमें केवल 4 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है। अभी आगे चल के इनकी डिजिट बढ़ती जाएगी तब ये पिक्चर थोड़े से डिफिकल्ट होते जाएंगे। अभी केवल एक बेसिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको समझाया है। तो अपर हाफ इक्वल टू एन अपॉन 2 मीन्स 4/2 इक्वल टू 2 टीम्स इन अपर हाफ एंड 2 टीम्स इन लोअर हाफ। अब हम लोग इसका पिक्चर देख लेते हैं, ए बी सी डी, ये 4 टीम्स किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है। ये पिक्चर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ए बी सी डी, इन 4 टीम्स को हमने सीक्वेंस वाइज रख लिया, इसके बाद हमने इनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 2 टीम्स अपर हाफ में, 2 टीम्स लोअर हाफ में। ये हो गया अपर हाफ एंड दिस इज लोअर हाफ। ए एंड डी इनका मैच हो गया, सी एंड डी इनका मैच करा दिया।
सबसे पहले हम अपर हाफ का अपर हाफ का टीम से मैच कराएंगे, हम बिना किसी को भी कर सकते हैं, ए या बी को, कोई प्रॉब्लम नहीं। सी और डी का मैच हुआ, डी विनर हो गई। ये हमारा खत्म हुआ फर्स्ट राउंड, जिसमें ए एंड डी जीत कर आगे पहुंच गई और बी और सी हार कर बाहर हो गई। मींस नॉकआउट में जो टीम जहां से मैच हारी वो वहीं से बाहर हो जाएगी। ए एंड बी इस टूर्नामेंट के विनर हो गई। ये था सेकेंड राउंड। तो अगर हम मैच काउंट करें, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था टोटल मैचेस एन माइनस वन, तो ये था फर्स्ट मैच, ये था सेकेंड मैच, ये था थर्ड मैच। तो इससे आपके कई एमसीक्यू निकल के आते हैं जो हमारे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी आपका एक बिल्कुल बेसिक छोटा सा पिक्चर था, इसके आगे पिक्चर लास्ट नंबर ऑफ टीम के बनेंगे, तब आप उसको और अच्छी तरह से समझिएगा। जैसे हम लोग इसमें अगर एमसीक्यू निकालना चाहें, टोटल मैचेस एन माइनस वन, टीमें कितनी भी दे सकता है, हाउ मेनी मैचेस विल बी हेल्ड बिटवीन एटसेट्रा मेनी टीम्स। अपर हाफ के लिए फॉर्मूला है एन अपॉन टू, कब, व्हेन द नंबर ऑफ टीम इज 2 की पावर 2 4 8 16 32 दिस टाइप। तो इस तरह से हम लोग एक सिंपल सा पिक्चर बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा जब यहां पर नंबर ऑफ टीम्स 2 की पावर में नहीं होगी, मींस नंबर ऑफ टीम 10 है, 15 है, 18 है, 19 है, 21 है, 30 है, मैनी टीम्स, कितनी भी सारी टीम है, उनका हम पिक्चर कैसे बनाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, यहां पर नंबर ऑफ टीम्स 5 होती है, तो हम इस पिक्चर को कैसे बनाते हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। थैंक यू।